सीट देख लीजिए पवन, 20,000 से आगे चल रहे हैं बीजेपी के कैंडिडेट। पलवल में बीजेपी के गौरव गौतम 30,000 वोट से आगे चल रहे हैं। ये मार्जिन तो मुझे लगता है कि पूरा हो नहीं पाएगा। तो ये बता रहा है कि बीजेपी की जो स्ट्रेटेजी बन रही थी, या बीजेपी जैसे चुनाव लड़ रही थी, साइलेंट चुनाव लड़ रही थी, या जो अंडर करंट है वो शायद बीजेपी ने पकड़ा। और इसीलिए देखिए, जींद सीट पर बीजेपी के कैंडिडेट 13,000 वोट से आगे चल रहे हैं, भिवानी सीट पर बीजेपी के कैंडिडेट 20,000 वोट से आगे चल रहे हैं, पलवल 23,000 वोट से बीजेपी के गौरव आगे चल रहे हैं। तो कुछ इस तरीके का बीजेपी का समीकरण रहा, या बीजेपी की स्ट्रैटेजी रही कि आखिरी वक्त आते आते बीजेपी ने अपने हाथ से जाता हुआ चुनाव फिर से अपनी मुट्ठी में कर लिया है। और वो आप देख सकते हैं, इस वक्त रुझानों में 34 सीट पर कांग्रेस आगे, 50 पर बीजेपी आगे, 6 अन्य के खाते में जा सकती हैं। और अगर आप रीजन वाइज भी देखें तो फरीदाबाद अपने गढ़ को एक तरह से बचाने में बीजेपी, यहां पर कहा जा रहा था कि कुछ नाराजगी थी, रोहतक यहां पर सेंधमारी करने में बीजेपी कामयाब हुई, 2 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 6 पर कांग्रेस आगे चल रही है, सोनीपत यहां पर सरप्राइजिंग नतीजे जो है, यहां पर बीजेपी जो है 7 सीटों पर आगे चल रही है, 1 पर निर्दलीय और 1 पर कांग्रेस। गुड़गांव की 9 में से 6 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाए हुए हैं, 3 पर कांग्रेस जो है आगे चल रही है। भिवानी महेंद्रगढ़, जिस तरह से पवन कह रहे थे कि एक नया उनके लिए एक वोट बैंक वहां से निकल कर आ रहा है, 8 सीटों पर यहां पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। तो अगर आप अलग अलग रीजन की बात करें, शहरी रीजन में भी बीजेपी ने अपने किले को बचाकर रखा है। तो देवेंद्र, जो आप स्ट्रेटजी कह रहे थे कि सीधा सीधा एक ही मैसेज था कार्यकर्ताओं को कि जो लोकसभा में है 42, उसको तो पहले आप संभाल के रखो, बाकी हम देखते हैं। क्लियर कट ये रहता है कि आपको अपना वोट गिरा लेना है, और उसके लिए जो कुछ करना चाहिए वो उसके लिए टास्क दे दिया जाता है। और जब बीजेपी का इलेक्शन मशीनरी एक्टिव होता है टॉप लेवल से, उनकी पूरी कार्य प्रणाली जो होती है वो इस प्रकार से होती है कि एक एक टास्क ऊपर से डिफाइंड रहता है, आपको सिर्फ परफॉर्म करना है, उसमें अपना दिमाग लगाने का बहुत स्पेस नहीं दिया जाता, उसकी गुंजाइश नहीं दी जाती। और ये एक सफलता के लिए बड़ी वजह हो जाती है कि सब कुछ सेंट्रलाइज तरीके से होता है और क्लियर कट होता है, कुछ उसमें एम्बिग्यूटी नहीं होती। आपको पता है कि क्या करना है, किसको अप्रोच करना है, किस वोटर को लाना है, कैसे लाना है, अगर बोलना है तो क्या बोलना है। इसलिए बहुत बार आप देखेंगी कि जो उनके वर्कर्स होते हैं वो एकदम से एक ही डायलॉग बोल रहे होते हैं ग्राउंड लेवल पर। क्यों? क्योंकि उनको यही टास्क दिया गया रहता है, तो पता है उनको कि इलेक्शन लड़ा कैसे जाता है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ माहौल पे चुनाव लड़ रहा है। माहौल और मशीनरी के जब कंपैरिजन की बात चल रही है, तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कांग्रेस के पास जिला अध्यक्ष नहीं है, कोई संगठन नहीं है, पिछले 11 साल से नहीं, 11 साल से नहीं है। और आप उम्मीद कर रहे हैं कि माहौल के आधार पर जीत जाए, जहां एक तरफ मशीनरी के तौर पर सभी कार्यकर्ता जनसंपर्क कर रहे हैं, वहां सिर्फ चुनाव में एक बड़ा सा रैला निकाल लिया जाए, उस आधार पर आप उम्मीद करें कि बदलाव हो जाएगा, वो दिखाई नहीं दे रहा है। और अब 50 सीटें तीसरी बार, 9 सीटें ज्यादा, पहली बार 47 सीटें आई थी। यानी बीजेपी जिस धमाके के साथ हरियाणा में 2014 में पहली बार सरकार बनाने में कामयाब हुई थी, वो धमाका बरकरार रखा है। और ये धमाका अब की बार इसलिए भी ज्यादा बड़ा है क्योंकि इसने बड़े बड़ों को चौंकाया है और ज्यादा मजबूत हो गए। और कहीं ना कहीं इसमें बड़ा योगदान वो छोटी छोटी पार्टीज का भी रहा है, क्योंकि कांग्रेस हमेशा से चाह रही थी कि ये इलेक्शन जो है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हो, लेकिन बीजेपी चाहती थी कि मल्टी कॉर्नर फाइट, और उसमें चाहे आप हो चाहे फिर जेजेपी हो, इनलो हो, सबने अपना अपना रोल निभाया है इस जीत में। एग्जैक्टली, और यही बात ना मेरे ख्याल से देवेंद्र जी भी बात कर रहे थे। 3 फैक्टर्स हैं मेरे अनुमान के हिसाब से कि जो इस इलेक्शन के अंदर काम किए। सबसे इंपॉर्टेंट है प्राइम मिनिस्टर मोदी का, मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है, मोदी जी ने ही, उनका ही जो ऑरा है वो हरियाणा के अंदर एग्जैक्ट है। जैसे मैं कह रहा था, 90 के 90 विधानसभाओं के अंदर हर जगह लगभग 15,000 वोट तो होगा, जो सिर्फ और सिर्फ इस बात के प्रधानमंत्री मोदी को करना है। दूसरा फैक्टर एक जरूर है संगठन वाला, कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, अब समालखा जैसी सीट के अंदर जहाँ पर कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती है, वहाँ पर इस वक्त समालखा के अंदर बीजेपी आगे है, वो संगठन की वजह से ही हुआ है। कुछ लोग बाहर से आए हैं जिन्होंने इंश्योर किया है कि पार्टी का इलेक्शन जो अच्छे से लिफ्ट हो। तीसरी बात जरूर है जो सेंट्रलाइज्ड इलेक्शन कैंपेनिंग होती है, स्ट्रैटेजी जो होती है, जो ब्रांडिंग हुई है, जो मैसेजिंग गई है ग्राउंड पर और कंसिस्टेंटली उसको हिट किया गया, चाहे सोशल मीडिया से, चाहे मीडिया से, चाहे न्यूज़पेपर से, उस सब ने इंश्योर किया है कि एक पूरा का पूरा एक फेवर्ड कैंपेन बीजेपी की तरह बनकर आया है।